हेलो दोस्तों, एमीटेक क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल्फ स्टार्टर के बारे में। सेल्फ स्टार्टर गाड़ी में यूज करते हैं हम लोग इंजन को मोशन देने के लिए। इसका जो मेन पार्ट है ये है, ये इसका सोलेनोइड कॉइल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। और ये इसका मोटर, मोटर सेक्शन, और ये है पिनियन। जब हम लोग इंजन स्विच को ऑन करते हैं तो ये सोलेनोइड का जो कॉइल होता है, सोलेनोइड का कॉइल चार्ज होता है और इसके अंदर एक प्लंजर रहता है। उस प्लंजर का इस एंड पे एक फॉर्क रहता है। ये फॉर्क क्या होता है, ये जो पिनियन है पिनियन के सामने की तरफ फैलता है। और ये प्लंजर जब पीछे की तरफ आता है तो ये देखिए इसका जो मोटर का जो टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल और ये नीचे नीचे की तरफ एक टर्मिनल। ये दो टर्मिनल इधर नॉर्मल कंडीशन में NO ओपन से रहता है। तो जब ये चार्ज होता है तो पिनियन जब हम लोगों का आगे तरफ जाता है और इसका जो प्लंजर है वो पीछे आता है तो क्या होता है, ये दो सर्किट क्लोज होता है। ये सर्किट क्लोज होने से क्या होता है, मोटर में पावर जाता है और मोटर घूमना स्टार्ट करता है। ये बहुत ही फास्ट होता है, ये मोटर घूमता है और हम लोग का जो पिनियन है वो धीरे धीरे आगे जाता है और ये जाके फ्लाईव्हील के साथ मिक्स करता है, फ्लाईव्हील को मोशन देता है। अभी इसका जो पिनियन है, पिनियन और हम लोगों का फ्लाईव्हील का ऑलमोस्ट गियर रेशियो 14:1 रहता है। और जब हम लोगों का फ्लाईव्हील स्टार्ट हो जाता है उसके बाद एक ऑपोजिट फोर्स आता है, उसके वजह से क्या होता है, हम लोगों का जो पिनियन है वो पीछे की तरफ चला जाता है। कुछ सिस्टम में हम लोगों का वन वे क्लच भी यूज़ होता है पिनियन को पीछे की तरफ लाने के लिए। उसमें क्या होता है, एक सिस्टम रहता है जिसमें एक इनर डिस्क रहता है और एक आउटर डिस्क रहता है। अभी जो आउटर डिस्क है, आउटर डिस्क मोटर के साथ कनेक्ट रहता है जो पिनियन को घुमाता है। और इनर डिस्क क्या होता है, इनर डिस्क पिनियन के कनेक्शन में रहता है। जब इंजन स्टार्ट होता है तो फ्लाईव्हील का मोशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फ्लाईव्हील का मोशन ज़्यादा होने से क्या होता है, पिनियन जोर शॉक लगता है, इससे क्या होता है हम लोग का मोटर भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम लोग वन वे क्लच का यूज़ करते हैं। देखिए यह है इसका मोटर सेक्शन और इसका जो पिनियन है, ये पिनियन देखिए ये हेलिक्स गियर के ऊपर रहता है और ये धीरे धीरे पीछे की तरफ आता है। इसका कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सोलेनोइड का जो कॉयल है, ये सोलेनोइड का कॉयल एक तो बैटरी के साथ रहता है और दूसरा हम लोगों का इग्निशन स्विच के साथ रहता है। और ये मोटर का दो पोर्शन, ये दो पोर्शन नॉर्मली ओपन रहता है। जब सोलेनोइड का प्लंजर पीछे आता है तो ये दोनों पॉइंट जुड़ जाता है और उसके बाद ही ये मोटर ऑन होता है।